अपनी खतरनाक कार्रवाई से पूरे इंदौर में मशहूर हो चुके निगम कर्मी ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एक तरफ इंदौर नगर निगम लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए अपील कर रहा है और ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ निगम कर्मी ही इन सब का पालन नहीं कर रहे हैं। इंदौर नगर निगम अपनी लापरवाही के चलते एक बार फिर सुर्खियों में है। खुद नगर निगम अपने ही स्वास्थ्य अधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खबरबान के हमारे पत्रकार ने पहले चुपचाप तरह से निगम कर्मियों के बिना मास्क वाले फुटेज तैयार किए, इसके बाद उनसे मास्क नहीं पहनने पर सवाल किया तो वो बोलने से किस तरह बचते नजर आए, आप भी देखिए। आपने एक ने भी मास्क नहीं लगा रखा भाई साहब, आप भी हेलो नहीं मास्क लेने जा रहे हो, आप तो निगम से हो ना, आप जमाने भर के यहाँ पर चालान बना रहे हो। चालान नहीं बना, निगम से नहीं हो आप? नहीं, निगम से ही। निगम से हो, क्या नाम है आपका, आपका नाम बताओ। तो देखा आपने, निगम कर्मी ही मास्क नहीं पहन रहे हैं और कोरोना को न्योता दे रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कचरा गाड़ी का ड्राइवर अपना मास्क ढूंढते हुए गाड़ी तक पहुंचा। जब हमारे पत्रकार ने मास्क नहीं लगाने का कारण पूछा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए तीन तीन लोगों को बैठा कर वहां से जाने लगा। वो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए रिक्शा में एक एक व्यक्ति बैठता है, आप लोग तीन तीन लोग आगे बैठे हुए हो, तो आप तीन तीन लोग एक ही जगह मतलब काम कर रहे हो, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको नहीं करना है, ऐसा कुछ है क्या? या निगम ने बोला है? दो बेलदार रहते हैं, एक ड्राइवर रहता है, जगह तो वो इतनी है जितनी है, और काम भी जरूरी है, गंदा कचरा भी उठाना जरूरी है, गंदा कचरा भी उठाना बहुत जरूरी है सर। लेकिन आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो, आप वहाँ खड़े थे तब भी नहीं कर रहे थे और यहाँ पर भी अरे अभी भी तीन तीन लोग बैठे हो आप, जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात होती है वहाँ पर आप लोग तीन तीन इतने सटे हुए बैठे हो। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि निगम कर्मी ही कोरोना को नजरअंदाज कर बैकऑफ घूम रहे हैं। आम लोगों पर तो निगम की चालानी कार्रवाई की तलवार लटक रही है, इन पर कार्रवाई करने वाला और इन्हें बोलने वाला कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबांड न्यूज, इंदौर।